काम कितना टाइम चलेगा? और यहाँ पे किट्टू छाता लेके बारिश में जा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तिलवाड़ा से, और कल से यानी कल क्या परसों शाम से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है नॉन स्टॉप। और आज स्कूल कॉलेज की भी छुट्टियां हो गई हैं क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और ये देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है। तो आज के ब्लॉग में हम बारिश को ही कवर करेंगे और चारों तरफ का नज़ारा भी दिखाएंगे कि बारिश में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से लैंड स्लाइडिंग वगैरह होता है। तो कर लेते हैं एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। चलो आज कुछ नया देखते हैं। और यहाँ पे किट्टू छाता लेके बारिश में जा रही है। ये चारों तरफ का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, बारिश लगी हुई है। इस टाइम हल्की हल्की है लेकिन बारिश कंटिन्यूसली आज भी सुबह से कंटिन्यू हो रही है। आसमान में बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं और कोहरा आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो बारिश जो है अभी भी हल्की हल्की हो रही है और मैंने रेन कोट और हेलमेट पहन लिया है। और ये रही मेरी स्कूटी और जा रहा हूँ मैं आगे भटवाड़ी सैंड की तरफ दूध लेने के लिए। इस टाइम थोड़ा बारिश हल्की हो गई है और ये देख सकते हैं लोग अपने जानवरों को इस तरह से छोड़ देते हैं और ये इनको आवारा बन जाते हैं ये जानवर, देख सकते हैं लोग। अब जैसे गाय है, अब जब दूध देना बंद कर देती है तो लोग इस तरह से छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। हम जानवरों को पाल कर इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। और ये देखिए बरसात में ये जानवर इस तरह से खड़े हैं। ये सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं और ये है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी का व्यू भी आप देख सकते हैं घाटी में चारों तरफ का नज़ारा। ये है हमारे स्टूडेंट सक्षम और ये बुड्ढी जी आ रही हैं। सामने जो नज़ारा आप दिख रहा है वो है तहसील का और ये है तहसील। अरे पार्टी को पार्टी ठीक है, तीन हजार तक दीता हूँ। हाँ भैया उसको पास खर्चा ज़्यादा भिजवाया नहीं, ठीक है। गाड़ी का थोड़ा तैयार कर बात कर लिया था इसलिए देर हो गया। तो अब 3000 रुपये ले लीजिए, अगला दिन दे देगा, ठीक है। चढ़े हुआ देखा बिना उसके सारे
तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भटवाड़ीसैंण और यहां पे है पवार रेस्टोरेंट। और ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहां पे, ये देख सकते हैं, और भैया लगे हुए हैं किचन में। ये है पवार रेस्टोरेंट और अभी यहां पे कोई कस्टमर नहीं है। अभी भाई साहब ने अभी नाश्ता करा है। और ये रहा इनका किचन। ये चारों तरफ का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। ये है केदारनाथ हाईवे।